हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हेपेटाइटिस बी की स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, HBSAG टेस्ट के बारे में। इसको हेपेटाइटिस बी का स्क्रीनिंग टेस्ट भी बोला जाता है। वैसे हेपेटाइटिस बी के सीरोलॉजिकल मार्कर बहुत सारे अलग अलग होते हैं, उसके लिए एक अलग ही डिफरेंट वीडियो बनाया था जिसमें पूरा पैटर्न कितने तरह के एंटीजन और एंटीबॉडी आते हैं उसके बारे में जानकारी दिया था। आज मैं सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करने वाला हूँ, उसको बोलते हैं HBSAG टेस्ट। जब कोई डॉक्टर एडवाइज करता है लैब में कि जाइए हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन की जांच करा लीजिए, उस केसेस में HBSAG टेस्ट किया जाता है। तो इस टेस्ट का जो मेन मकसद है कि किसी को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है कि नहीं। तो यूजली ये टेस्ट ये बताता है कि या तो किसी व्यक्ति को अक्यूट इन्फेक्शन होने वाला है या तो क्रोनिक इन्फेक्शन में भी पॉजिटिव आता है। तो इसका जो प्रिंसिपल क्या है, इस टेस्ट में यूज किया जाता है हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर सरफेस एंटीजन होता है HBSAG, उसको इस टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। अब ये टेस्ट किन लोगों को कराना चाहिए, क्या इंडिकेशन है, तो ये काफ़ी रूटीनली टेस्ट एडवाइज किया जाता है, क्योंकि एक जब भी किसी के हेल्थ चेकअप करवाना हो, लीवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि जॉन्डिस हो रहा है, उसको कमजोरी लग रही है, वोमिटिंग लग रही है, लीवर में टेंडरनेस है, यूरिन का कलर डार्क हो रहा है, स्टूल का कलर हल्का हो रहा है, या पेट के अंदर दर्द हो रहा है, तो हेपेटाइटिस बी का एक तो जांच उनको करवाई जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनको अंदर लीवर का एंजाइम बढ़ा हो, SGOT बढ़ा हो, SGPT बढ़ा हो, अल्कलाइन फास्फेटेज, उनको करवाया जाता है। या तो ऐसे व्यक्ति जो कि ऐसा लगता है कि इनको हेपेटाइटिस बी का एक्सपोजर हो गया, हाई रिस्क पे है, नीडल प्रिक इंजरी हो गई किसी को, ऐसा लगता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ पर ब्लड की जाँच अच्छे से नहीं हुई थी, सेक्स वर्कर हो गए, ऐसे लोग जो हेपेटाइटिस बी एंडेमिक एरिया में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक ही निडिल से ईयर पियर्सिंग हो, नोज पियर्सिंग हो, टैटू लोग बनवा रहे हैं, अगर इस तरह के रिस्क फैक्टर हैं तो उनको ये रूटीनली हेपेटाइटिस बी की स्क्रीन करवा लेना चाहिए। लीवर डैमेज नहीं हो, क्योंकि लंबे समय में हेपेटाइटिस बी क्रोनिक इन्फेक्शन करा करा के लीवर को ख़त्म कर देता है, इन्फेक्शन होगा, फिर कुछ केसेस में कैंसर भी हो जाता है। कैसे करते हैं, तो ये सीरम या प्लाज्मा से किया जाता है। तो आपके बॉडी में से ब्लड लिया जाता है, बाजू में से ब्लड लिया जाता है, और थोड़े ब्लड से सीरम से ये टेस्ट हो जाता है। यूजली जो मेथड अभी ज़्यादातर जो लैब फॉलो करती है वो किट बेस्ड होती है, ऐसी है जैसे ये किट मैं दिखा रहा हूँ, ऐसी किट रहती है। ये बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे, नर्सिंग होम में चले जाएंगे, लैब में जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है ये किट के द्वारा ही की जाती है। और इस एंटीजन को डिटेक्शन के लिए कई बार एलाइजा भी कराया जाता है जब क्वांटिटेशन करने की जरूरत हो, ठीक है। तो मोटे तौर पे HBSAG देखने के लिए किट का यूज किया जाता है। तो सीरम लेना है, कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं होती, 24 घंटे में इसको कभी भी कराना है, फास्टिंग से कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता, किसी तरह की कोई मेडिसिन लेने पे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें कोई टेस्ट प्रिपरेशन की आपको जरूरत नहीं होती, बस लैब में जाना है और वहाँ पे ब्लड आपका ले लिया जाएगा, और उसमें से हेपेटाइटिस बी की रिपोर्ट लगभग सेम डे मिल जाती है, 3-4 घंटे के अंदर, क्योंकि किट से होता है तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो लगभग 250 रुपये के आसपास इसका प्राइस रहता है। अब ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, तो ये जैसे कि ये है एक किट है, दिख रहा है ये इसके किट को है, जो बच्चे करने वाले हैं उनको मैं बताने के लिए बता दूं कि हमेशा ध्यान रखें कि ये किट का एक टेम्परेचर दिया रहता है, कितने टेम्परेचर में रखी है, इस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट डली रहती है, तो इन सारी चीज़ों को देख लें कि ये कभी खुली वगैरह तो नहीं है। तो अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, इसको घर पे भी अगर कोई लगाना चाहे तो घर पे भी लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, मार्केट में जाएंगे 50 रुपये की है। अभी मैंने इसको जैसे कि खोल दिया है, अब इसमें आपको चूंकि सीरम चाहिए, प्लाज्मा चाहिए, तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन की जरूरत पड़ती है। मेन बात यह है, होल बेड से इसको नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या एंटीजन डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब जिस पेशेंट का करना होगा वहाँ उसका सीरम लेके, और यहाँ पे एक ये देखे सैंपल की वेल डली है, ये इसमें डालना है और बस वेट करना है 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद यहाँ पे दो लाइन होती है, कंट्रोल और टेस्ट। एक चीज़ आप समझ लें कि जितने भी तरह के किट बेस्ड टेस्ट होते हैं, सब में लगभग यही सिस्टम चलता है, एक कंट्रोल की लाइन होती है और एक टेस्ट की लाइन होती है। अब अगर किसी को HBSAG का पॉजिटिव होगा तो कंट्रोल लाइन में भी आएगा और टेस्ट लाइन में भी आएगा, और अगर किसी को HBSAG का इन्फेक्शन नहीं, निगेटिव है, तो सिर्फ एक लाइन आएगी, कंट्रोल लाइन, और कुछ केसेस में दोनों में भी लाइन नहीं आती तो वो किट खराब है, वो टेस्ट इनवैलिड माना जाएगा, या कुछ केसेस में सिर्फ टेस्ट में आ गई, कंट्रोल में नहीं आई, तब भी इनवैलिड है, मतलब आपको रिपीट करना है। इसमें कुछ सावधानी की जरूरत पड़ती है, सावधानी की जरूरत यह है कि जब भी इसमें से टेस्ट करना है आपको, तो ब्लड का जो टेम्परेचर है उसको और रूम टेम्परेचर पे ला दें, अगर फ्रिज में से रखा हुआ, सेम कंडीशन ये किट के साथ भी है, रूम टेम्परेचर पे अच्छी रिएक्शन होती है, और 20 मिनट्स का टाइम रहता है, जितना उतनी देर रीड करें। कई बार जो शुरू में इनिशियल हल्की लाइन आती है वो हल्की लाइन चली जाती है,
तो ये सारे हेपेटाइटिस बी के एंटीजन टेस्ट करते समय आपको सावधानी रखने की जरूरत होती है। अब इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखने की जरूरत है, क्या लिमिटेशन है इस टेस्ट की। तो जैसे कि मैंने बताया ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि 100% केस में ना तो एक्यूरेसी रहती है, ना तो एकदम सही बता पाता है 100% केस में, ना तो 100% केस में यही बता सकता है कि इसको इन्फेक्शन हो गया तो होगा ही। तो फॉल लैंग्वेज में दो टर्म होती है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, तो दोनों इस किट के साथ हो सकते हैं। वैसे 99% सेंसिटिविटी रहती है, अगर किसी को इन्फेक्शन आया है इसमें तो चांसेस हैं कि 99% तो होगा ही, पर 1% चांस रहता है कि गड़बड़ हो जाए। उस केसेस में बेटर ये है कि इसको एलाइजा के द्वारा इसका क्वांटिटेशन किया जाए, या तो हिपेटाइटिस बी का डीएनए टेस्ट किया जाए पीसीआर के द्वारा, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो बहुत सारी बार ऐसा लोगों कंप्लेन रहती है कि उनको हिपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन दे दिया गया फिर बाद में नहीं निकलता, या तो भाई कई बार हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन निगेटिव दे दिया पर बाद में निकला। तो दोनों कंडीशन रहती हैं, इसको लोगों को समझना चाहिए कि इन किट के साथ यही लिमिटेशन होती है। तो ये सारा हेपेटाइटिस बी का जो सरफेस एंटीजन की टेस्टिंग है, HBS AG टेस्टिंग है, उसके बारे में जानकारी थी कि इसके क्या इंडिकेशन है, क्या लिमिटेशन है, इससे क्या पता चलता है। आई होप कि इस अभी टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज हो गया होगा, समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।